Hi guys, welcome to Kripesh Advani show. Today we have Pranav Jha with us and he is an owner of digital marketing agency in India. इनका turnover monthly का approx 25 lakhs के plus रहता है और जो इन्होंने यहाँ पे अपना experience share किया है वो आप अगर एक entrepreneur हो आप अपनी marketing agency run करना चाहते हो तो definitely ये वाला podcast आपके लिए काफ़ी helpful होने वाला है। उन्हें काफ़ी एक्सपीरियंस है इस इंडस्ट्री में, 2012 से वो इस इंडस्ट्री में है। पहले डेवलपमेंट में थे देन मार्केटिंग में स्विच किया। कोविड के टाइम पे उनके काफ़ी अप्स एंड डाउन्स रहे हैं बिफोर कोविड ऑल्सो, तो कैसे उन्होंने अलग अलग डिफरेंट स्ट्रीम्स में ट्राई किया, डेवलपमेंट, मार्केटिंग, एड्स एंड देन अल्टीमेटली वो SEO में अभी काफ़ी अच्छा कर रहे हैं और इंडिया में उन्होंने काफ़ी अच्छे अच्छे और बड़े क्लाइंट्स लिए हैं, तो वो सब कुछ आज बताएंगे वो हमें इस पॉडकास्ट के ऊपर। सो प्रणव झा, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू दिस पॉडकास्ट एंड नाउ ओवर टू यू। आप कौन है, आप क्या करते हैं, थोड़ा सा अपनी जर्नी के बारे में बताइए। थैंक यू कृपेश, आपने अपने शो पे मुझे अपॉर्चुनिटी दिया। एंड अगर मैं बात करूँ, मेरी डिजिटल मार्केटिंग जर्नी जो है बेसिकली 2012 में स्टार्ट हो गई थी। एज ए मेजरली हम लोग जो वर्कआउट कर रहे थे वो वेब डेवलपमेंट पार्ट पे ज़्यादा फोकस कर रहे थे। एंड जैसे जैसे वेब डेवलपमेंट में एक्सपोजर मिला तो कुछ चैलेंजेस आए, राइट? और कुछ चैलेंजेस के बेसिस पे हमने डिसाइड किया कि क्योंकि पैरेलली छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स हम लोग कर रहे थे SEO के, हमने डिसाइड किया कि नहीं डिजिटल मार्केटिंग में करते हैं। क्योंकि एक जो मुझे सबसे अच्छी चीज लगती है डिजिटल मार्केटिंग इंडस्ट्री की, रेकरिंग एक फ्लो है, राइट? डेवलपमेंट में वो फ्लो नहीं मिल पा रहा था मेरे को कि मगर एक महीने अगर आपके पास में बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है तो सेकेंड मंथ में भी ऐसा कुछ होगा, ऐसा पॉसिबिलिटी नहीं दिख रहा था। लेकिन डिजिटल मार्केटिंग में ये फ्लो दिखा तो क्योंकि एक लॉन्गर बिजनेस को रन करने के लिए आपको एक ऐसा ऑप्शन चाहिए होता है जहाँ पे आप अगर टीम को लेके बैठे हो या किसी को लेके बैठे हो तो आप कहीं ना कहीं चीजों को लॉन्ग स्ट्रेच कर सकते हो। एट उस बेसिस पे मैं कहूंगा कि डिजिटल मार्केटिंग जर्नी मेरे लिए काफी इंटरेस्टिंग है, काफी अच्छा रहा। तो आप इस फील्ड में क्यों आए? इस फील्ड में आने के पीछे रीजन सबसे बड़ा ये था कि समहाउ मैं वैसे बीटेक हूँ, मैंने कंप्यूटर साइंस से बीटेक किया है। एंड मन तो हर एक इंजीनियर का या कंप्यूटर साइंस इंजीनियर का ये होता है कि डेवलपर ही बन जाऊं, बट हर एक का स्किल सेट वैसा नहीं होता। तो मेरा भी स्किल सेट, क्योंकि मैं शुरू से ही ना बात करने में, सेल्स करने में काफी अच्छा हूं, बट जब प्रोग्रामिंग की बात आती तो थोड़े से हाथ कच्चे से रह जाते हैं। बट स्टिल थोड़ा बहुत मैं कर लेता था काम, मैजेंटो पे हो, वर्डप्रेस पे हो, इवन शोपीफाई पे हो, तो मेरे को आता है काम। आई एम टोटली अवेयर की चीजें कैसे मैनेज होती हैं। बट क्या होता है ना कि सिर्फ टूटी फूटी स्किल के साथ में आप बहुत अच्छा नहीं कर सकते। और डिजिटल मार्केटिंग ऐसी चीज लगी जहाँ पे मुझे पर्सनली एक बिलीव आया कि इट्स अबाउट सेल्स, क्योंकि वो मेरा शुरू से स्किल है कि मैं अच्छा हूँ बात करने में, अच्छा हूँ किसी से डिस्कशन करने में काफी अच्छा हूँ। तो आई फेल्ट कि हाँ, मार्केटिंग का बैकग्राउंड है, मेरा एक शुरू से एक इंटरेस्ट है, और उस इंटरेस्ट के बेसिस पे और इस फील्ड को देखते हुए, इसके सारे स्कोप को देखते हुए, और इसका ओवरऑल ऑब्जेक्टिव भी वही है कि मार्केटिंग करना है, प्लेटफॉर्म मार्केटिंग वाले। Right. तो आपने किसी को देखा, किसी का कुछ आपने पढ़ा, कुछ स्पेसिफिकली अगर कुछ ऐसा कि अब यहाँ पे मुझे भी ट्राई? ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, मैंने किसी को देखा नहीं, बट मेरे क्लाइंट ने मेरे को पुश किया। अच्छा अच्छा। क्लाइंट ने पुश किया, इन द सेंस हुआ क्या कि हम लोग फ्लोरिडा रीजन में, USA का एक रीजन है फ्लोरिडा, तो वहां पे हम लोग काम कर रहे थे। तो हम उस क्लाइंट के लिए, उस पूरी फैमिली के लिए, उनके अलग अलग बिजनेसेस थे, तो चार पांच वेबसाइट मैनेज कर रहे थे। दे साइड कि प्रणव, यू आर ऑलरेडी डूइंग, हमारे लिए आप ऑलरेडी वेबसाइट का काम कर रहे हो, तो क्यों नहीं आप हमारे लिए SEO का काम भी करते हो? हम ऑलरेडी, हमने एक पर्सन को दिया, वो अच्छा नहीं कर रहे हैं। तो मैंने उसी टाइम सोचा और मैंने ना एक पर्सन को, उसने पहले इंटरव्यू लिया था, तो उसने थोड़ा सा मुझे ब्रीफ किया था कि SEO ऐसा ऐसा कुछ होता है। ये बात है 2013 की, तब आपने डेवलपमेंट, हाँ डेवलपमेंट चल रहा था, डेवलपमेंट 12 से चल रहा था, 13 में भी चल रहा था डेवलपमेंट। तो उसी टाइम पे ना, मतलब उसी में से हम कुछ इंटरव्यूज वगैरह लेते थे, तो वहां एक पर्सन ने कहा कि मेरा ये स्किल सेट है। मैंने उसको फिर कॉल किया, मैंने बोला कि यार ऐसा सा प्रोजेक्ट आया, तो आ जा, तेरी हायरिंग कर ही लेते हैं। तो हमने वहीं से स्टार्ट की चीजें, एंड फिर एक प्रोजेक्ट पे आया, फिर दूसरे प्रोजेक्ट पे आया, लेकिन मैं फुली इन्वॉल्व नहीं था, टीम कर रही थी, राइट? बट चीजें रिपोर्टिंग जैसे पार्ट आता था, तो वहां पे थोड़ा सा क्यूरियोसिटी आता था कि क्या चीजें नहीं है। और स्लोली स्लोली जैसे जैसे फेज आगे बढ़ा तो थोड़ा सा इंटरेस्ट, क्योंकि मैंने आपको बताया कि मार्केटिंग या सेल्स मेरा बैकग्राउंड रहा है, मेरे को इंटरेस्ट रहा है। मेरे कंप्यूटर साइंस इंजीनियर, बट मेरा इंटरेस्ट बात करने में ज्यादा है रदर देन कोड करने में। तो ये एक इंटरेस्टिंग सिनेरियो जिसके बेसिस पे मैंने इसको आगे लेके गया मैं। जी सर, आज मैं देख रहा हूँ आपकी काफी बड़ी टीम है, काफी बड़ा ऑफिस है, रेवेन्यू में भी आप काफी अच्छा कर रहे हैं, तो आपके लिए टर्निंग पॉइंट क्या रहा था?
जहां से आपको लगा कि नहीं अब मेरी यहाँ से एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हो रही है? और 2019 में हम लोग काफी अच्छा कर रहे थे इन टर्म्स ऑफ प्रोजेक्ट, अगर हम बात करें, क्योंकि आप 5 साल 6 साल जब काम कर लेते हो, आई गेस 6 साल उस टाइम हो चुके थे, तो आपके पास बहुत सारे नोन लोग हो चुके होते हैं, बहुत सारे क्लाइंट्स के लिए अलग अलग छोटे छोटे काम किए, वही क्लाइंट्स आपको बड़े प्रोजेक्ट्स भी देते हैं। अगर जरूरी नहीं कि एक क्लाइंट ने अगर आपको 1000 रुपए का काम दिया तो कल आपको वो 1 लाख का काम नहीं दे सकता, वो दे सकता है, क्योंकि जैसे आप ग्रो होते हो आपका क्लाइंट भी ग्रो होता है। अब उसमें से कुछ लोग बहुत जल्दी ग्रो हो जाते हैं, कुछ लोग टाइम लेते हैं, तो जो लोग जल्दी ग्रो हो गए उनको कहीं ना कहीं मेरा काम या मेरा स्टाइल पसंद आया पास्ट में, राइट। अब उसके बेसिस पर उन लोगों ने काम जो है वो छोटे बड़े जो काम जो है वो बेसिकली देने स्टार्ट किए। तो 19 में ऑटोमेटिकली मतलब बहुत सारे पुराने क्लाइंट्स ने हमें कुछ और प्रोजेक्ट्स दिए, क्योंकि मैं रेगुलरली जैसे टीम अपडेट्स अपना एक इन्फॉर्मेशन शेयर करता रहता था सोशल मीडिया पे, सोशल मीडिया में हमेशा मेरे को प्री कोविड है ना, प्री कोविड 19 में। एंड टर्निंग पॉइंट जो रहा, जिसको आप सबसे मेजर टर्निंग पॉइंट बोलेंगे, वो रहा मेरा कोविड का टाइम, जब प्रोजेक्ट्स जाने लगे तो एक सेल्फ रियलाइजेशन हुआ कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ में, प्रोजेक्ट्स जा रहे हैं। तो हमने थोड़ा सा चेंज किया अपने आप को, एसईओ मेरा पार्ट हमेशा से रहा है कि एसईओ पे मेरा एक एक्सपर्टीज होल्ड रहा है, बट उस लेवल का मैंने सोचा नहीं था, क्योंकि मैं गूगल एड्स में एक तरीके से कह सकते हो कि 70% काम गूगल एड्स में चल रहा था, बट कोविड आया तो लोगों ने काम स्टॉप कर दिए, बजट नहीं था। अब किसी के पास बजट नहीं है फिर भी स्पेंड तो नहीं करना चाह रहे थे उस टाइम। अब मान लीजिए आपका एक एजुकेशन इंस्टीट्यूट है ऑफलाइन, अब कहाँ से बच्चे आएंगे आपके पास में, कौन बच्चा कोविड के टाइम पे निकल के आपके पास आना प्रेफर करेगा, है ना। तो वो सब तो क्लाइंट, और हमारा एजुकेशन और रियल स्टेट, ये दो सेगमेंट ऐसे थे जो हमारा 80% क्लाइंट था उस टाइम। इंडिया से थे कि बाहर से? मैक्सिमम उस टाइम पे हम इंडिया के ही क्लाइंट कर रहे थे, एंड उन सब ने काम, इंडिया में तो कोई भी चीज आती तो सबसे पहले इंडियंस रेडी रहते हैं एक्शन लेने के लिए, उन्होंने सबसे पहले काम रोक दिया कि भाई रोक दो, भले उन पे इम्पैक्ट नहीं आया लेकिन स्टिल बहुत सारे लोगों ने काम को कहीं ना कहीं समहाउ किसी न किसी रीजन से रोक दिया। उस टाइम पे बैठा और सोचा, और एक फ्रेंड से ऐसे डिस्कशन हुआ, एंड उन्होंने अपने कुछ कीवर्ड वगैरह शेयर किए, डीपी विश्वकर्मा भाई हमारे खास दोस्त हैं, तो मैंने भी फिर उस कीवर्ड पे काम करना स्टार्ट किया, और लकीली रैंक कर गया बहुत कम टाइम पे। रैंक करने के बाद कुछ अच्छी इंटरेस्टिंग क्वेरीज आई मेरे पास में, कुछ अच्छे नोन ब्रांड्स ने मुझे अप्रोच किया, और वहां से चीजें बदल गई, क्योंकि एक रेफरेंस आने लग गया, प्लस गूगल से रिस्पॉन्स आने लग गया, लोकल लिस्टिंग भी रैंक करने लग गई, तो ओवरऑल मेरे पास में ना एक डिसेंट एक जो फ्लो होता है वो डिसेंट फ्लो आने लग गया। तो कोविड के बाद का जो फेज था उस फेज ने चीजें चेंज कर दी, क्योंकि मैं रैंक कर गया था गूगल पे, तो रिस्पॉन्स ऑटोमेटिकली आज भी अगर आप गूगल पे जाओ, डिजिटल मार्केटिंग कंसल्टेंट, कंसल्टेंट इन इंडिया, और ऐसे गूगल एड्स से रिलेटेड, एसईओ से रिलेटेड बहुत सारे कीवर्ड जिसपे मैं रैंक करता हूँ। मतलब मैंने कीवर्ड रेदर देन इंफॉर्मेशनल नहीं पिक किए, मैंने ज्यादातर वो बिजनेस ओरिएंटेड, भले उसका स्मॉल सर्च वॉल्यूम है, कई लोग कहते हैं स्मॉल सर्च वॉल्यूम, बट डिपेंड, वो मैटर नहीं करता कि सर्च वॉल्यूम कैसा है, इंटेंट, हाँ बिल्कुल, कन्वर्जन आ रहा है कि नहीं आ रहा वो मैटर करता है। तो कन्वर्जन आने लग गया, भले हमें महीने की 30 ही लीड आ रही है, लेकिन उसमें से 5 भी कन्वर्ट हो रहा है तो मेरा तो काम चल रहा है। और हमारे फील्ड में होता भी क्या है ना, कि जो क्वेरीज आपके पास में आती हैं वो एक हायर टिकट साइज की होती हैं, और एक रेकरिंग वाला जो पार्ट मैंने बताया, जिसका जो एक प्राइमरी रीजन था मेरे को इस इंडस्ट्री में रहने के लिए, तो दैट्स व्हाई कि मैंने ये ऑप्ट किया कि हाँ भाई ये चीजें मेरे लिए कहीं ना कहीं बेनिफिशियल है। नाइस, सो दैट वाज अराउंड आफ्टर द कोविड वेव की, आफ्टर कोविड वेव, और सिचुएशन आप कह सकते हो कि बेटर हो गई, मतलब एक छोटा डिप आया, बट देन डिप ने सेल्फ रियलाइजेशन करवाया, जो मैं शायद ऐसे नहीं कर पाता, सोच भी नहीं पाता, क्योंकि कहाँ रुक रहा था कोई, है ना, सबको उड़ना था भाई, हमें भी उड़ना था, है ना। तो जब आप फ्लो में होते हो ना, तब आप कई बार मिस्टेक्स को इवेल्युएट नहीं कर पाते हो, और जब आप फ्लो टूटता है ना आपका, तो आप रुकते हो, सोचते हो, आप फिर से वापसी करने की कोशिश करते हो। तो वही हुआ कि हम रुके, टूटे, फिर से वापस आए, और वो शायद स्ट्रॉन्गर वे में वापस आए। नाइस, एंड इसी से रिलेटेड आपने बहुत सारे चैलेंजेस भी देखे होंगे, लाइक पूरी आपकी जर्नी रही है डेवलपमेंट एंड एड्स, उसके बाद एसईओ, एजेंसी, इतने सारे लोगों को मैनेज करना, तो आपके लिए सबसे बड़ा चैलेंज या फिर फेलियर कौन सा था, जहां पर आपको ऐसा लगा कि अब तो बंद करना पड़ेगा सब कुछ, या अब काफी, सबसे डाउन फेज आपका क्या था? एक तो कोविड का फेज तो चलिए सबके लिए था, बट 17 का फेज मेरे लिए बहुत अच्छा नहीं था, 2017, क्योंकि हम लोग डेवलपमेंट एजेंसी थे, जैसे मैंने आपको बताया, वहाँ पे बहुत सारे क्लाइंट्स ने पेमेंट होल्ड कर दिया था, और वो होल्ड अमाउंट बहुत ज्यादा था कि हम स्ट्रगल कर रहे थे बहुत सारी चीजों के लिए, सैलरी के लिए, रेंट के लिए, बहुत सारी चीजों के लिए स्ट्रगल था। वो स्ट्रगल ऐसा था कि
उसने कहीं कभी भी एक जो होता है ना एक एक इंसान को जो एक एक अमाउंट चाहिए होता है चीजों को रन करने के लिए मैनेज करने के लिए वो फेज नहीं बन पाया राइट तो वो एक बहुत टफ फेज था मेरे लिए। बट उसी मैं वही बात कहूंगा कि जहां पर भी आपको लगता है कि आपका फेज बहुत खराब है या आप बहुत बैड टाइम से गुजर रहे हो वहां पे अगर आपको ब्रेक लगता है या फिर आपको लॉस लगता है तो फिर आप थोड़ा सा सोचते हो क्योंकि आपको कोई ना कोई रोक टोक होनी चाहिए चीजों में। अगर आप पूरा फ्लो में चल रहे होते ना तो फिर आप ना कई बार अपनी मिस्टेक्स को ध्यान नहीं देते इग्नोर करते जाते हो चीजों को तो वो थोड़ा थोड़ा और वो इट्स अ गुड वो लर्निंग होती है आपकी छोटी छोटी। हाँ जी दैट्स नाइस। अब मुझे आपसे थोड़ा सा पर्सनल जानना है बिल्कुल कि आप अगर आपने कुछ ऐसी मूवीज देखी हो या बुक्स देखी हो जिसने आपको सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस किया हो। एक टाइम पे तो सभी लोग वो रिच डैड पुअर डैड तो पढ़ते ही हैं क्योंकि वो एक ऐसा वो एक स्टार्टिंग वहीं से होती है राइट। एंड उस बुक ने काफी इन्फ्लुएंस किया। इनिशियल फेज में वही पढ़ा था उससे पहले तो हम क्या बुक पढ़ते हैं हमें खुद नहीं पता होता कि वो किस काम की होती है नहीं होती है। बट रियल सेंस तब लगती है जब आपको कुछ फेलियर आते हैं कुछ चैलेंजेस आते हैं आप बैठ के थोड़ा सा सोचते हो फिर आपको कोई आपका सर्कल में आपको रिकमेंड करता है कि आप बुक्स पढ़ो। और मुझे एक मूवी का भी मैं बेसिकली जिक्र करूंगा रणबीर कपूर की मूवी है सेल्समैन रॉकस्टार है ना नहीं रॉकस्टार नहीं सॉरी सेल्समैन ऑफ द ईयर मूवी का नाम बोल रहा हूँ मैं राइट तो किसी को नहीं पता है यहाँ पर रॉकेट सिंह आई गेस यस रॉकेट सिंह। रॉकेट सिंह एक ऐसी मूवी थी जो मुझे बहुत अच्छी लगी उसका जो वर्क करने का स्टाइल जो अप्रोच। एंड इसके अलावा कुछ ना कुछ छोटी मोटी चीजें मैं हमेशा कभी बुक्स पढ़ लिया कभी कोई आर्टिकल पढ़ लिया या मेरे को एक्चुअली में पॉडकास्ट सुनना भी बड़ा पसंद है जो यूट्यूबर्स के आते हैं कि भाई उनके फेज में क्या क्या चीजें। एक टाइम पे मैंने इनको साहिल खन्ना जो है इंटेलेक्चुअल इंडीज वाले उनके बहुत सारे जो इंटरव्यूज आए थे एक सीरीज उन्होंने निकाली थी वो सीरीज को मैंने पूरा ही फॉलो किया था तो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा था कि जो फाउंडर्स आ रहे थे अपना एक प्रोस्पेक्टिव शेयर कर रहे थे एंड उसमें काफी सारी इंटरेस्टिंग चीजें थी उसमें छोटे छोटे बाइट्स निकाल के आप अपने लाइफ में जरूरी नहीं कि आपको जैसे हम लोग पॉडकास्ट कर रहे हैं जरूरी नहीं है कि वही ये पॉडकास्ट का कंप्लीट वर्जन लोगों को पसंद आए। इसमें से एक ऐसा कोई क्लिप हो सकता है एक मोमेंट हो सकता है जो लोगों को पसंद आ जाए राइट और वो मोमेंट लोगों को कई बार लोग अडेप्ट कर लेते हैं उसको। तो मेरे लिए भी वही था मुझे उसमें एक दूसरी ऐसी लग गई जिसके वजह से मैंने पूरी की पूरी सीरीज ही खंगाल डाली कि भाई क्या पता इसमें और कुछ होगा इसमें कुछ और होगा। तो ऐसे सीरीज जैसे आप भी कर रहे हैं तो जैसे आप इंटरेस्टिंग लोगों को फीचर करते हैं तो वहां से छोटी छोटी चीजें होती हैं सीखने के लिए आई गेस उससे काफी आपको हेल्प होता है। एंड बाकी बहुत सारी बुक हैं एटॉमिक हैबिट्स हैं मुझे वो काफी अच्छी लगती है राइट। एंड रीवर्क है आपका 5 AM क्लब है एंड तो जो आपके हैबिट्स को इन्फ्लुएंस करती हैं जो आपकी डेली एक्टिविटीज को इन्फ्लुएंस करती हैं वो सब बुक्स आपको पढ़नी चाहिए उनसे आपको काफी बेनिफिट होता है। एंड स्पेसिफिकली अगर जो लोग काफी स्ट्रगल करके लाइफ में कुछ काफी कुछ गेन करके कुछ लिखते हैं उनके लाइफ में ना उनके बुक्स में वो रिफ्लेक्शन आ रहा होता है उसका अगर आप कुछ भी पार्ट अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट कर सके तो आपको काफी ग्रोथ और सक्सेस देखने के लिए मिलेगा। अभी आपकी इतनी बड़ी कंपनी बन चुकी है तो अभी आपका मेन सोर्स ऑफ रेवेन्यू क्या है इज इट थ्रू क्लाइंट्स या आप अपना कुछ डेवलप कर रहे हैं। जी नहीं सबसे मेजर जो हमारा है वो क्लाइंट्स ही हैं क्योंकि और वो फ्रॉम इंडिया या फिर इंटरनेशनल दोनों है बट मैं बोलूंगा कि हमारा 80% क्लाइंट बेस इंडिया है। और बेसिकली होता क्या है कि ये आज से 5-7 साल पहले ना एक 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 मिथ फैला हुआ था कि इंडियन क्लाइंट्स आर नॉट मतलब पे अच्छा नहीं करते राइट या फिर अगर जैसे हमारा एसयू नीश है एसयू में लोग बोलते हैं कि एसयू में बहुत अच्छा पे नहीं करते बट ऐसा नहीं है क्योंकि वी आर वर्किंग विद फ्यू वेरी गुड क्लाइंट्स एंड दे आर पेइंग जितना कि बेसिकली कोई भी यूएस का यूके का या ऑस्ट्रेलिया का न्यूजीलैंड का क्लाइंट पे कर सकता है। अच्छा तो ये कौन से नीश में है आपके क्लाइंट्स? हमारे जो सबसे मतलब हाई पेइंग की अगर बात करते हैं तो D2C ब्रांड्स अच्छा पे करते हैं राइट रियल स्टेट में नोन ब्रांड्स अच्छा पे करते हैं तो हमारा प्रेफरेंस वही है कि कुछ नोन ब्रांड्स के साथ ही हम लोग काम करें क्योंकि इनिशियल फेज में हमने भी बहुत सारे ब्रांड के साथ में काम किया बट जो रिक्वायरमेंट होती है जब आपकी एजेंसी ग्रो हो रही होती है तो आपको एक्चुअली में ऐसा क्लाइंट बेस चाहिए होता है जो क्लाइंट बेस मतलब थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट तो करे ही करे इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा तो वो जो एसयू में इन्वेस्टमेंट है वो इन्वेस्टमेंट डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नहीं है बट इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी बहुत सारा है
रिसोर्स इन्वेस्टमेंट, रिसोर्स पे इन्वेस्टमेंट है, कंटेंट पे इन्वेस्टमेंट है, छोटी छोटी चीजें जिसको आपको टेक केयर करना पड़ता है। तो उसके बेसिस पे अगर मैं देखूं तो मुझे लगता है कि हमें क्लाइंट एक्चुअली में ऐसे चाहिए थे जो कि क्लाइंट थोड़ा सा हाई पेइंग क्लाइंट हो, थोड़ा सा समझे हमारी चीजों को एंड टाइम दे, राइट। एंड रिजल्ट के लिए ऑब्वियसली रिजल्ट डिस्कशन तो जरूरी है, वो डिटेल डिस्कशन करें, क्योंकि हमने केस स्टडीज ऐसी बनाई है जिसके बेसिस पे कोई भी पर्सन अगर देखता है, डिस्कशन करता है, तो उसके बेसिस पे एक थोड़ा सा इसको तो कहीं ना कहीं तो लगता है कि हाँ ये कुछ तो कर रहे हैं जिसके बेसिस पे इनके से जुड़ा जा सकता है। तो अभी आपकी स्ट्रैटेजी क्या है, फ्यू लार्ज क्लाइंट्स, मोर मनी, या फिर स्मॉलर क्लाइंट्स, लॉट्स ऑफ स्मॉलर क्लाइंट्स? नहीं, मैं लॉट्स ऑफ स्मॉलर क्लाइंट वाले फिलोसफी पे बिलीव नहीं करता। मेरे को पर्सनल जो मेरा जो एक कॉन्सेप्ट है, इसी में बिलीव करता हूँ, नोन क्लाइंट्स, बड़े क्लाइंट्स, कम क्लाइंट्स, है ना। होगा क्या कि हमारी एनर्जी ना लिमिटेड है। अभी आपके पास कितने टोटल क्लाइंट्स? अगर हम बात करें राइट नाउ, हम लोग अराउंड 35 क्लाइंट्स के आसपास मैनेज कर रहे हैं करंटली। एंड तो जैसे आपने कहा कि बेसिकली क्लाइंट्स की बात करें या आप बेसिकली प्रेफरेंस लार्जर का, क्योंकि मैंने जैसे आपको बताया कि जो एक इन्वेस्टमेंट होता है, जो रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि हम टीम भी फिर उसी अकॉर्डिंग हायर करते हैं। तो अब रिसोर्स जो लाओगे, जो थोड़ा सा हाई पेइंग रिसोर्स होगा आपका, तो फिर उस लेवल पे ही आपको वर्कआउट करना पड़ेगा, उसी लेवल पे रिजल्ट देना पड़ेगा आपको। तो अभी आपका रेवेन्यू कितना आ रहा है, एनी फिगर्स दैट यू वुड लाइक टू शेयर? एग्जैक्टली अगर मैं बात करूं, हमारा ना 70% जो रेवेन्यू है वो समहाउ एसयू से, राइट, अगर हम बात करते हैं तो। एंड रेस्ट ऑफ द थिंग्स अगर मैं बात करूं, एड्स है, लीड जनरेशन है, हम लोग उसमें काफी अच्छे हैं, बट मेजरली वो हम सर्विस इंडस्ट्री के लिए, एजुकेशन इंडस्ट्री, रियल एस्टेट इंडस्ट्री, इस पे ज्यादा काम करते हैं एड्स पार्ट की बात करें तो। एंड अगर आप बेसिकली अराउंड अगर आप बात करते हैं कि इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू, तो वी आर अर्निंग अराउंड 25,000 से 30,000 यूएसडी के आसपास हमारा एक मंथली अर्निंग है। यस, तो अगर आज किसी को अपनी डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी स्टार्ट करनी है, एसईओ एजेंसी 2023 में स्क्रैच से, तो आप उनको क्या टिप्स देना चाहेंगे? अगर आज आपको वापस से करना हो तो आज आप कैसे करेंगे? नहीं, मैंने जो स्टार्ट किया था, मेरा स्टार्टिंग का जो एक सबसे बड़ा मिस्टेक था कि मैं बिना सीखे आ गया था इस इंडस्ट्री में। अच्छा। और सबसे मैं इंपॉर्टेंट चीज यही बोलूंगा कि सीखना, इन द सेंस आई वुड ऑलवेज प्रेफर कि आप किसी एजेंसी में एटलीस्ट 5 साल के लिए काम करें। वो 5 साल एज एन एम्प्लॉय, एज एन एम्प्लॉय। अब जरूरी देखिए, अब स्ट्रेट अवे जाएंगे, जंप करेंगे तो गिरने के चांसेस बहुत होते हैं। अब मेरे लिए क्या वो ठीक है, मैंने अपने आप को संभाल लिया, या हर एक में वो स्पिरिट। आई डोंट थिंक सो कि स्टार्टिंग में इतने सारे एजेंसी के ऑप्शंस थे बैक व्हेन यू स्टार्टेड। बिल्कुल, अभी आज तो हैं, लेकिन जब आपने किया था तब आपके पास शायद से इतने सारे ऑप्शंस नहीं होंगे। वो जुनून ही था कि इंसान का जब वो एक अंदर से कुछ होता है ना, तो वो इंसान करने लग जाता है चीजों को। बट टू बी रियली फ्रैंक, की जो आज स्टार्ट कर रहा है, मैं देखिए उससे बेनिफिट है। इसका कई लोग उसको बोलते हैं कि आप ऐसा क्यों बोल रहे हो, आपने तो खुद जीरो से वो कर लिया था। मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अगर मैं बात करूँ 5 साल क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि 5 साल में आप सीखते हो, क्योंकि इट्स नॉट अबाउट योर टेक्निकल स्किल्स ओनली। आप सिर्फ टेक्निकल स्किल्स के बेसिस पे आप ग्रो नहीं कर सकते। यू नीड गुड मैनेजरियल स्किल्स, यू नीड गुड फाइनेंशियल स्किल्स ऑल्सो। एक फाउंडर को फाइनेंस में बहुत अच्छा होना पड़ता है, नहीं तो कहाँ पे पैसा जा रहा है, नहीं जा रहा है, वो सारा मिसमैनेज हो जाएगा। उसको बेसिकली मैनेज करना बहुत जरूरी है, कौन सा रिसोर्स आपके लिए क्या है, कैसा कर सकता है, कैसा परफॉर्म कर सकता है, किसको कब मोटिवेशन की रिक्वायरमेंट है, वो सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। अगर ये सब चीजें ऐसे नहीं पता चलती, हायरिंग प्रोसेस आपके लिए बहुत बड़ा पेन होता है। तो ये सब जो छोटी छोटी चीजें हैं ना, ये आप अगर स्ट्रेट अवे जंप करते हो तो आप कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत बड़ा वो ट्रबल हो जाता है। कोई आप कई बार क्या होता है, कोई एम्प्लॉई मान लीजिए बहुत ज्यादा रूड है, लेट्स सपोज, उनको कैसे हैंडल किया जाए विद वेरी कामनेस, क्या आपका अप्रोच होना चाहिए, क्या राइट टाइम पे। और ये भी बहुत जरूरी है कि कौन से लोग ऐसे जिनको आप लॉन्गर पिक्चर में देख रहे हो, कौन से लोग ऐसे जिनको आप शॉर्टर पिक्चर में देख रहे हो। तो अगर आपने डिसाइड कर लिया कि ये पर्सन मेरे लिए लॉन्ग रन में जाएगा, तो आपको उस पर एनर्जी ज्यादा लगाना है। और आपने डिसाइड कर लिया कि ये पर्सन मेरे लिए उतना अच्छा नहीं है, या फिर मैं नहीं काम कर सकता, तो फिर वो एनर्जी आप उसी अकॉर्डिंग अपना प्रोटेक्ट करते हो। तो छोटी छोटी चीजें हैं जो कि आपको काफी सारे ध्यान देनी पड़ती है। तो 5 साल का टाइम दीजिए आप, 5 साल नहीं तो 3 साल 4 साल पे भी कर सकते हैं, ऐसा कोई मैंने मैंडेटरी नहीं कहा, बट मेरा एक्सपीरियंस यही कहता है कि आप थोड़ा सा एक्सपोजर लेके मार्केट में आइए तो आप ज्यादा अच्छा करेंगे। इनफैक्ट आज के टाइम पे अपॉर्चुनिटीज भी बहुत है। यस, अच्छा पे स्केल मिलेगा आपको, जॉब भी करोगे, पे स्केल, पैसे तो जरूरी है ना।
एंड आई थिंक स्टार्टिंग में आपको वहां से इनिशियली जल्दी पैसा मिलेगा, इंस्टेड कि अगर आप पहले ही अपना कुछ स्टार्ट करो यू विल बी बर्निंग अ लॉट ऑफ मनी आई थिंक। ऐसे होता क्या है ना कि एज ए फाउंडर जब आप जीरो से स्टार्ट कर लेते हो ना तो आप स्ट्रगल भी बैडली करते हो। मेरे साथ हुआ है ऐसा, मैंने बहुत स्ट्रगल किया है। और स्ट्रगल अभी मैं कंपनी के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा हूँ कि फाइनेंस का स्ट्रगल बहुत ज्यादा रहा है। वो इसलिए फाइनेंस का स्ट्रगल रहा है क्योंकि मेरे को पता ही नहीं कि फाइनेंस कहाँ पे क्या इंसर्ट करना है। किस रिसोर्स पे आप किसी रिसोर्स को बहुत ज्यादा पे कर रहे हो, कुछ भी काम नहीं कर रहा है। कोई रिसोर्स आपके लिए दिन रात एक कर रहा है, आप उसको कुछ भी नहीं दे रहे हो। तो ये सब चीजें, और ये सब चीजें ना आप जब काम करते हो तब पता, मैंने काम ही नहीं किया राइट इनिशियल फेज में। वही अगर मैं एक्सपीरियंस लेके आया होता ना तो शायद मेरे को ज्यादा बेटर पता होता। उसको सीखने में इतना टाइम लग गया जिसके कारण थोड़ी सी चीजें लॉन्ग, बट ठीक है, वो सारी चीजें आपके लिए लर्निंग है राइट। वो छोटी मोटी चीजें चलती रहती हैं लाइफ में, आप बहुत कुछ सीखते हो और हर एक छोटी छोटी चीज आपको कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस देके जाती है। ठीक है, अब क्योंकि आपने इतनी सारी कंपनीज के साथ में काम किया है, इतनी सारी चीजें करी है, तो आज तक आपको ऐसा कौन सा क्लाइंट मिला या ऐसा कौन सा प्रोजेक्ट रहा That was a total headache for you कि ये तो भाई इससे अच्छा क्लाइंट नहीं मिलता तो ज्यादा बेटर था, और आपने उस सिचुएशन को कैसे हैंडल किया? क्योंकि आई एम श्योर बहुत सारे एजेंसी ओनर जो स्टार्ट कर रहे होंगे वो इस फेस के थ्रू जाएंगे ही जाएंगे। देखिए, आप बड़ा क्लाइंट लीजिए आप छोटा क्लाइंट लीजिए, मैटर नहीं करता, दोनों सेम ही पेन देते हैं। छोटे क्लाइंट को ज्यादा कंसर्न होता है, वो अगर आप उसका ₹1,000 भी खर्च हो गया ना तो वो आपको 5 बार कॉल करेगा राइट, और वो आपके स्ट्रक्चर को बिल्कुल वो कर देगा, डिस्कार्ड कर देगा। आप जैसे बोलोगे कि सर आप मेरे मैनेजर को कॉल कर लीजिए, सर आप मेरी टीम को कॉल कर लीजिए, वो कभी भी नहीं समझेंगे इस चीज को। कहेंगे नहीं, हमारे तुमसे बात हुई थी तो मैं तुमसे ही बात करूंगा, मैं तुम्हारे मैनेजर से बात नहीं करूंगा, मैं तुम्हारे टीममेट से बात नहीं करूंगा। तो वो मेरे को लगता है कि एक टाइम पे हमने ना बहुत सारे ना छोटे छोटे जो इंडिविजुअल टीचर्स होते हैं ना उनके हमने काफी सारे काम उठा लिए थे। अच्छा अच्छा, होम ट्यूटर होते हैं उस टाइम पे, वही था लर्निंग फेज था, तो हमने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स उठा लिए थे और 7-8 क्लाइंट्स थे ऐसे जो छोटे छोटे क्लाइंट थे, दे यूज्ड टू कॉल अस सो मेनी टाइम्स। मतलब अगर दिन में मेरे 8-9 कॉल होते थे, उन्हीं को समझाने में उनको कन्विंस करने में चला जाता था। ऑब्वियसली हमने काम किया है, उनकी ग्रोथ में हेल्प प्ले किया, उन्होंने हमारे ग्रोथ में बहुत बड़ा रोल प्ले किया है। हम आज जो भी है, मुझे लगता है स्मॉलर क्लाइंट्स का कंट्रीब्यूशन बहुत बड़ा था राइट, बट वो एक पेन भी था, एक पॉइंट पे आके बहुत ज्यादा वो चेजिंग हो गया था, तो वो मेरे लिए बड़ा हेडेक हो गया था। आज के टाइम पे अगर इंटरनेट नहीं होता, एसईओ नहीं होता, तो आप अपने आप को कहाँ देखते हैं? मैं पंडित हूँ और मैं पूरा मेरा क्या कह सकते हैं कि पूरा जो मेरा परिवार है पूरा वो सब वैदिक फैमिली से रिलेट करते हैं। तो मैं गांव में पूजा कर रहा होता और यजमान ढूंढ रहा होता, शादियां करवा रहा होता। और मेरे को बड़ा पसंद भी है। जिनको नहीं पता है, एक्चुअली मैं, क्योंकि मेरे पापा पंडित हैं, पूजा पाठी कराते हैं, तो बेसिकली जब दिवाली का टाइम होता है तो मेरा बड़ा अच्छा पार्ट टाइम था वो। आई वॉज वेरी गुड इन, मेरे को मेरा मंत्र जाप श्लोक्स वगैरह मेरे काफी अच्छे हैं बचपन से। हाँ, तो मैंने पता है मेरा वैदिक फैमिली, मेरे दादाजी संस्कृत कॉलेज के प्रिंसिपल थे, तो उस केस में बेसिकली क्या था, हमारे परिवार में ही चलता था, रेगुलर रूटीन था कि वो मंत्र जाप हम लोगों को बचपन में, जैसे हम 3-4 साल के हुए तो उसी टाइम पे घर पे वो वेद पाठ हो रहा है, आसपास में वो सर्कुलेशन चल रहा है। बिहार का, जो लोग बिहार नहीं गए बेसिकली, अगर आप गांव वगैरह में जाते हैं, मैं बिहार से हूँ, गांव वगैरह में जाते हैं, स्पेसिफिकली हमारे गाँव में जो एक कल्चर था कि सारे घरों में बेसिकली, अब तो नहीं, अब तो बहुत, अब तो भाई किसी को अपने बच्चे को पंडित बनाना ही नहीं है राइट, तो पहले दिन से ही वो एक कॉन्सेप्ट दिमाग में लेके चल पड़ते हैं कि नहीं बनाना है। तो बट पहले का कल्चर मुझे लगता था, अगर अब हम रिकॉल करते हैं, अब देखता हूँ कई लोग उस चीजों की तरफ जाते हैं, बट पहले क्या होता था कि वो घरों में या शाम के टाइम पे, जैसे शाम होता था ना तो उस टाइम बैठ के वो कुछ ना कुछ चीजें डिस्कशन होती थी, पूजा पाठ होता था, तो बहुत बहुत अच्छा होता था। वो एक अच्छी वाइब्स थी, पॉजिटिव वाइब्स थी वो राइट। तो वही मैंने कहा कि अगर कुछ ना होता तो शायद मैं वही पूजा पाठ करा रहा होता। ठीक है, आप कैसे मैनेज कर रहे हैं क्योंकि आपकी टीम भी बहुत बड़ी है, प्रोजेक्ट्स भी आ रहे हैं, पर्सनल लाइफ भी है, वाइफ फैमिली सब कुछ, कैसे मैनेज कर पा रहे हैं आप? वैसे मैनेज हो जाता है या करना पड़ता है राइट। अच्छी बात यह है कि वाइफ बहुत अंडरस्टैंडिंग है, वो समझती है, शी वर्क विद मी, तो वो साथ में काम करते हैं, तो शी अंडरस्टैंड कि मैं कहाँ पे मेरा क्या कॉन्ट्रीब्यूशन है। ये नहीं समझती है तो मैं समझा देता हूँ कि मेरा देखो यहाँ यहाँ पे रोल है और यहाँ पे टाइम चला जाता है।
तो अब बहुत दिन तक साथ में काम कर लेते हैं तो दोनों की अंडरस्टैंडिंग उस लेवल पे बहुत बेटर हो जाती है चीजों को लेके, कि कहाँ पे एक्चुअली में टाइम जा रहा है, कहाँ पे टाइम वेस्ट हो रहा है, राइट। तो और इस बेसिस पे काफी सारी चीजें मैनेज हो जाती है। बाकी ये है कि हाँ, समाओ थोड़ा सा तो फैमिली लाइफ स्ट्रगल करता ही है अगर आप बहुत ज्यादा प्रोफेशनल चीजों में जुड़ जाते हो, क्योंकि आपको पता है एज ए बीइंग ए डिजिटल मार्केटर, आप भी डिजिटल मार्केटर हो, मैं भी डिजिटल मार्केटर, हम लोगों को लोगों से मिलना पड़ता है, बात करनी पड़ती है, कनेक्शंस बिल्ड करने पड़ते हैं, तो थोड़ा सा तो प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ फिट होता है। बट समहाउ ऑब्वियसली ग्रो करना है भाई, हम नोएडा में क्या ही कर रहे हैं, ग्रो करने के लिए बैठे हैं, नहीं तो अदरवाइज तो गांव बहुत अच्छा था, राइट। उससे अच्छी बात क्या है, खाना अच्छा, बढ़िया खाना मिल रहा था, तो खाना अच्छा है सब कुछ। बट यही है कि ग्रोथ के लिए हम लोग हैं तो समहाउ कुछ चीजों को सेक्रीफाइस करते हैं। बट यस, अच्छा फैमिली हो, फैमिली वाले समझने वाले हो, वाइफ समझने वाली हो, तो चीजें अपने आप मैनेज हो जाती हैं, शेड्यूल मैनेज हो जाता है, टाइमिंग्स मैनेज हो जाती हैं, हो जाती है। अभी कैसा है आपका शेड्यूल एंड डेली रूटीन? रूटीन की बात करें तो बेसिकली मैं थोड़ा सा पहले नहीं, बट अभी मैं थोड़ा सा अर्ली मॉर्निंग मैंने उठना स्टार्ट किया हुआ है। मैं अराउंड 6:30 या 6 के आसपास मैं उठ जाता हूँ डेली बेसिस पे, या नहीं भी उठता हूँ तो मेरा बेटा एक बार चिल्ला देता है तो मैं ऐसे ही उठ जाता हूँ, राइट। तो 6:30 बजे उठ जाता हूँ। इसके बाद थोड़ा सा टाइम मतलब इधर उधर एक्टिविटी कुछ ना कुछ अपना किया, एंड थोड़ा सा अर्ली रेडी वेडी होके थोड़ा सा कुछ वर्क का एनालिसिस किया कि क्या चल रहा है, नहीं चल रहा है, एंड इसके अलावा फिर ये ऑफिस है, ऑफिस आवर्स मेरा कभी कभी स्ट्रेच हो जाता है लंबा, तो थैंक यू सो मच फॉर दैट। नहीं तो ये स्ट्रेच बनता भी है, राइट। एंड तो 7:30-8 तो बजी जाते हैं घर जाते जाते, एंड उसके बाद फिर वही है कि थोड़ा सा मैं वॉक कर लेता हूँ अपने बेटे के साथ में, एंड वो भी मैं रेगुलर नहीं करता हूँ, अगर वाइफ देखेगी तो बोलेगी झूठ बोल रहा है। तो रेगुलर तो बेसिकली नहीं हो पाता है पॉसिबल। देखिए शुरू में प्रायोरिटीज आपकी अलग होती हैं, बट लाइफ में जैसे जैसे आपका एक फेज आता जाता है आपकी प्रायोरिटीज चेंज होती जाती हैं। आपके लिए वाइफ सन शुरू में शायद आपको नहीं लगता, लेकिन बाद में धीरे धीरे लगता है कि यस ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपकी लाइफ में ना पीस का होना बहुत जरूरी है, शांति का होना बहुत जरूरी है। वो तभी आएगा जब आप घर में भी अपना उतना ही सोच पा रहे हैं जितना बाहर। ये पहले नहीं था, शादी से पहले तो ऐसा था कि बस काम दिमाग में भूत की तरह सवार था, दिन रात काम ही सवार। बट अब जैसे जैसे चीजें बदल रही, थोड़ी सी प्रायोरिटी शिफ्ट हो रही है कि मैं उधर भी ध्यान देना है, क्योंकि वो वर्क लाइफ बैलेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि अभी AI काफी ट्रेंड में आ गया है, जनरेटिव सर्च आ गया है, आई वॉज रिसेंटली हियर विथ फॉर द गूगल कॉन्फ्रेंस, तो अभी वहां पर भी बहुत सारी बातें चल रही है, तो आपका क्या टेक है AI पे 2023 में, SEO कहां जाएगा एंड बियॉन्ड दैट एज वेल? एक बड़ा एग्जांपल आपको बताता हूँ, थोड़ा सा शायद अलग है। आपने देखा होगा बहुत सारे वेंडिंग मशीन्स आ गए आपके इस पे मेट्रो में, है ना, उसके कारण क्या, वो बहुत सारे जो लोग जॉब कर रहे थे टिकट सेलिंग का, वो एकदम से कट हो गए, सडनली कट हो गए, राइट। क्योंकि उनके रोल जो थे वो यही थे कि उनको टिकट काट के देना था, तो एक मशीन आया उसने टिकट काट के देना आसान कर दिया, राइट। अब या तो आप उस मशीन को बनाने वाले का एक ब्रेन बन जाओ जो उस मशीन के पीछे काम करे, तो अगर SEO चेंज हो रहा है तो SEO किस तरीके से चेंज हो रहा है उस पैटर्न को अंडरस्टैंड करना स्टार्ट कर दो, रेदर देन सिर्फ एक एम्प्लॉई बने रहना जो कि सिर्फ एक बैकलिंक बनाता है या तो फिर सिंपली एक ऑन पेज करता है, उसके अलावा उसका रिसर्च ही कुछ नहीं है। ऐसे बहुत सारे लोग आपको मार्केट में मिलेंगे जिनका रिसर्च कुछ नहीं है, तो ये लोग कट हो जाएंगे मार्केट से। अभी जो कट होंगे तो ये शायद ये हो सकता है कि 60% लोग मार्केट से कट हो जाएं और ये पूरे मार्केट में फैला दें कि SEO डेड हो गया है, SEO में वो रिक्वायरमेंट नहीं है, बट ऐसा नहीं है। वो जो 40% है वो मार्केट को पूरी तरीके से आगे लेके आएंगे, एक नया मार्केट, नया प्रोस्पेक्टिव, जैसा हुआ है ना, बहुत सारे टूल्स आए, टेक्नोलॉजी आई, लोगों को लगा कि ये चेंज कर देगा। आपको अपने आप को चेंज करते रहना पड़ेगा, अपने पैटर्न को चेंज करते रहना पड़ेगा, न्यू न्यू चीजें रेगुलर बेसिस पे सीखनी पड़ेंगी, उसके बेसिस पे आप और बेटर कर पाओगे मार्केट में। सर नाउ माय लास्ट क्वेश्चन टू यू इज, आपकी लाइफ फिलॉसफी क्या है इन थ्री वर्ड्स? लाइफ फिलॉसफी मैं उसको थोड़ा सा कट कर देता हूँ, मैं BNI कम्युनिटी का पार्ट हूँ, तो उसमें एक बड़ा अच्छा स्लोगन हम लोग यूज करते हैं, गिवर्स गेन, मतलब आप देने वाले बनो ऑटोमेटिकली चीजें ना आपके लिए बेटर हो जाएंगी। मतलब एक पर्सन जो सामने वाले को बिजनेस देता है तो जरूरी नहीं है कि वो बिजनेस देता ही देगा, कल उधर से भी रिटर्न होके आएगा। अगर आप इस फिलॉसफी पे चलते हो, गिवर्स गेन की फिलॉसफी पे चलते हो, तो ऑटोमेटिकली लाइफ में आपके काफी सारे चेंजेस आ जाएंगे, आपको लगेगा कि हाँ लाइफ में कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट आपके आ रहा है, या आपके होने से, आपके एग्जिस्टेंस होने से आपके आसपास के लोग
अच्छा कर पा रहे हैं, तो वो वैल्यूबल कॉन्ट्रीब्यूटर बनना, गिवर्स बनना बहुत इंपॉर्टेंट है. वो हम बने रहेंगे तो आई गेस हम बहुत अच्छा करेंगे. थैंक यू सो मच सर. थैंक यू फॉर हैविंग दिस सेशन विद मी. मैंने काफी कुछ सीखा. नहीं, इट्स माय प्लेजर. और बहुत अच्छा लगा. आपकी जो जर्नी है वो काफी इंस्पायरिंग है. मैं आपको बता भी रहा था कि 2-3 दिन पहले मैं आप ही के रेफरेंस में अपने टीम को दे रहा था कि भाई देखो इनसे सीखना है. और लकीली देखिए कि हम लोग बैठ के शूट कर रहे हैं. इट्स माय टोटली प्लेजर. मुझे बहुत अच्छा लगा आपके साथ में. आगे जी. थैंक यू सो मच. थैंक यू.